साथियों नमस्कार। भारत में 135 सड़कों को बंद कर दिया गया है। जी हां साथियों, आपको बता दें कि पुलिस फोर्सें तैनात कर दी गई हैं। अभी की बड़ी खबर इस वक्त की निकल कर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार अलर्ट पर है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 135 सड़कों को बंद कर दिया गया है। ये इस वक्त का बड़ा फैसला लिया गया है। साथियों आपको बता दें कि खबर जो इस वक्त की निकल कर सामने आ रही है हिमाचल से। हिमाचल के पहाड़ नववर्ष से पहले बर्फ को सफ़ेद चादर में लिपट गए। देश के 6 जिलों में ताजा बर्फबारी हुई है। अन्य क्षेत्रों में बारिश ने भी 2 माह लंबा ड्राई स्पेल तोड़ते हुए राह प्रदान की है। न्यू ईयर से पहले बर्फबारी से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे। सैलानियों की बर्फ पर दीदार करने की हसरत भी पूरी हुई। बर्फबारी की खबरों को देश भर में, खासकर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली की बड़ी संख्या में पर्यटक प्रदेश की पर्यटन स्वर्ग को रुक कर दिया है। जी हां दोस्तों, फैसला लिया गया है कि 138 सड़कें बंद हो चुकी है, क्योंकि साथियों सड़कों पर इस तरह बर्फ जमी हुई है। जी हां, 134 सड़कों को बंद कर दिया गया है। प्रदेश में ताज़ा बर्फबारी के बाद 134 सड़कों वाहनों को आवाजाही के लिए अवरुद्ध हो गई है। इससे कई क्षेत्रों को शेष दुनिया से संपर्क कट गया। इनमें से सबसे ज़्यादा 121 सड़कें लाहौल स्पीति की बंद हो गई हैं। इसी तरह चंबा जिले में 5, कांगड़ा और किन्नौर में 2-2, कुल्लू में 2, शिमला में 1 सड़क बंद है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो आज से अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर शेयर लाइक करें। थैंक यू।